कोरोना माइक्रो क्रेडिट ऑपरेशन। कोरोना के चलते बहुत कुछ बदल गया है ना। एक तरफ कोरोना का खतरा है तो दूसरी तरफ बहुत लोगों की काम और कमाई पर बुरा असर पड़ा है। मिलने जुलने और आने जाने के तरीके भी बदल गए हैं, पर हम सबको अब इसी माहौल में रहना और काम करना सीखना होगा। तो चलिए इस बारे में कुछ जरूरी बातें समझते हैं। पहली बात, सरकारी नियमों का पालन। आपको पता है कि कोरोना का भी कोई इलाज या वैक्सीन नहीं है। इससे बचने के दो ही रास्ते हैं, हाइजीन यानी सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सामाजिक दूरी। इसीलिए सरकार ने इस बारे में नियम बनाए हैं जिनको पूरी तरह मानना है। ब्रांच में रोज सफाई हो, सिर्फ झाड़ू से नहीं डिसइंफेक्टेंट यानी कीटाणुनाशक से। और ऐसी चीजें जिन्हें कई लोग बार बार छूते हैं जैसे दरवाजे के हैंडल, टेबल, उनको थोड़ी थोड़ी देर में कीटाणुनाशक से पोंछें। ये काम ब्रांच में सबको करना है। हमेशा अपने पास और ब्रांच में मास्क, साबुन, सैनिटाइजर, ग्लव्स रखें और उनका इस्तेमाल करें। हाथ बराबर धोएं, खासकर नोट और पेन छूने के बाद। घर के बाहर मास्क पहन के रखना है, नाक और मुंह के ऊपर, नीचे नहीं। अपने और दूसरों के बीच 2 मीटर की दूरी रखें। आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। बेवजह न किसी से मिलना है और न कहीं जाना है। सरकार और कंपनी के नियमों और जरूरी कागजों की कॉपी हमेशा आपके पास और ब्रांच में होनी चाहिए। अपने पास कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड और सरकारी आईडी जैसे आधार, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा रखें। दूसरी बात, कस्टमर से व्यवहार। आप जानते हैं बहुत सारे कस्टमर की कमाई पर बुरा असर पड़ा है और उनको लोन की किश्त भरने में मुश्किलें आ रही हैं। हमें समझदारी से कस्टमर का साथ देना है। कस्टमर से अच्छे से बात करें और उनके बताए टाइम पे मिलें या बात करें, बहुत सुबह या देर शाम नहीं। ये समझें कि कस्टमर की कमाई कैसे चल रही है और वह किश्त चुका सकते हैं कि नहीं। कस्टमर को कंपनी की मोराटोरियम पॉलिसीज के बारे में सही और पूरी जानकारी दें, जैसे मोराटोरियम लेने से कुल ब्याज रकम कितनी बढ़ेगी और लोन की किश्त और समय में क्या बदलाव आएगा, जिससे वो सही फैसला ले पाए। कस्टमर से मोराटोरियम लेने या ना लेने की मंजूरी जरूर लें। जो कस्टमर किश्त देने के लिए तैयार हों, उनसे पैसे लेके रसीद दें। कस्टमर पे ना दबाव डालें और ना ही बुरे से बोलें। और हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट को पूरी तरह मानना है। अगर कहीं कोड ऑफ कंडक्ट नहीं माना जा रहा है तो इसके बारे में अपने सीनियर या सुपरवाइजर को बताएं। तीसरा, कुछ और जरूरी बातें। आपकी कंपनी सरकार के आदेश से काम कर रही है जिससे लोगों की पैसे के लेन देन की जरूरतें पूरी हो सकें। जब आप सरकार और कंपनी के नियमों का पालन कर रहे हैं तो आपको किसी से डरना नहीं है, पर यह हो सकता है कि कभी किसी जगह माहौल खराब हो, जैसे कस्टमर गुस्से में हो या कुछ लोग आपको काम करने से रोकें। ऐसे में इन कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे अच्छे से और सम्मान से बात करें, गुस्सा आ रहा हो तब भी। याद रखें कि आपका व्यवहार कंपनी की छवि से जुड़ा हुआ है। कोई मुश्किल है तो अपने सीनियर या सुपरवाइजर से बेझिझक बात करें और सलाह लें। अगर आपके पास अखबार, टीवी या सोशल मीडिया से माइक्रो फाइनेंस के बारे में कोई बुरा मैसेज आता है तो इसे इधर उधर ना फैलाएं और अपने सीनियर को बताएं। अगर अखबार या टीवी के लोग आपसे कुछ जानना या बात करना चाहें तो उन्हें कंपनी के सही ऑफिसर से बात कराएं। तो बस इन सब बातों को मानिए और मन लगा के समझदारी से काम करते चलिए।